लगभग 9 साल हो गए आपको सांसद, लगभग 5 और 4 ही है। क्या लगता है कि आपने मतलब कोई बड़ा रीवा के लिए कैसा कुछ ऐसा देखिए, मुझको वो संतुष्टि वाला, अगर मेरे काम की संतुष्टि पूछे कि किस काम से आपको ज्यादा सबसे संतुष्टि मिली व्यक्तिगत रूप से, तो मैं कोरोना के समय जब डोर टू डोर लोगों से मिलने गया, बीमारों से जो आइसोलेटेड पेशेंट थे, और उनको दवाई, गैस, सब्जी, भोजन, इस तरह से परेशान लोगों की जो के लिए जो काम किया, वो मेरे लिए ये मास्क सहित बड़ा काम, वो मेरे लिए सर्वाधिक संतोषजनक, मेरे जीवन का संतुष्टिकारक जो वर्ष रहे हैं, समय रहे हैं कि काम रहे हैं, वो उनमें इन 9 वर्षों में सबसे ज्यादा संतोष हमको इस काम में मिला। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो इन्हीं 9 वर्षों में रीवा चारों दिशाओं में 4 लेन से जुड़ा। इन्हीं इस कार्यकाल में जब मैं आया था, तो रीवा के इस ललितपुर से रीवा रेलवे लाइन के लिए 13 करोड़ का बजट था। इस वर्ष 700 करोड़ रुपए का बजट हुआ है। रीवा मुंबई आपने लाया, 4-5 गाड़ियां चलती थी, आज 14-15 गाड़ियां चल रही हैं, और भी गाड़ियां चलने वाली हैं। हवाई अड्डा बन रहा, बना उसी मैंने हवाई अड्डे की शुरुआत हुई, केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया, पैसा अलॉट किया, लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार हवाई अड्डे के लिए देने वाली है, 50 करोड़ रुपए अभी जारी कर दिया है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 140 करोड़ रुपए। आप लोगों ने क्या लड़ाई लड़ी इस हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे लगभग अब डेवलपमेंट चल रहा था, और आगे मतलब अभी एक साल में क्या काम बाकी रह गया है और होना है में? अभी तो अब ये जो काम इनको समेटना है, एक साल में ये फ्लाई आपका एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, एयरपोर्ट इसी को आगे बढ़ाना है कि किसी तरह से ये इसका पूरा हो जाए, कुछ और ट्रेनें मिल जाए। रीवा से ललितपुर, रीवा से मिर्जापुर वाया हनुमाना, अच्छा, ये रेलवे लाइन के लिए, क्योंकि कोरोना के समय से वो पेंडिंग रही, अब उसको एक वर्ष में सोचते हैं कि शायद उसको उसमें ही कुछ काम हो जाए। तो इस तरह से अब ज़्यादा कुछ होने की संभावना, नया कुछ काम, नया नहीं, पुराना काम खत्म हो, पुराने काम को और अधिक तेजी से खत्म करना और उसको पूरी तरह पूरा करना, ये मुख्य रूप से काम बचा है, उद्देश्य है। अच्छा, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि सांसद जी अधिकारियों के ऊपर थोड़ा गुस्सा जाते हैं, कभी कह दिए तुमको 20 जूते मारेंगे। नहीं, जूते मारने का तो नहीं, एक को कहा था कि गाड़ देंगे मारना, माँ बहन ये गाली देना, गाली किसी को नहीं दी आज तक। अश्लील शब्दों का प्रयोग मैंने कभी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया, और हाँ थोड़ा सा कभी कभी जब जानबूझ के कोई आदमी टाल रहा है किसी अच्छे काम को, तो उस समय थोड़ा सा ऊंची आवाज में। क्या कारण होता है कि अधिकारी मतलब आप लोगों के भी नहीं सुनते हैं, मुख्य कारण क्या होता है? अक्सर ये सुना जाता है कि हम विधायक जी के पास गए और या सांसद जी के पास गए, सांसद जी ने उस अधिकारी को फोन किया और फिर जाकर के वो फिर से वही दौड़ शुरू हो गई। इसके असल में क्या है कि रीवा में वर्क कल्चर नहीं रहा, और लोकल लोगों की वजह से भी कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलता है। तो वो चीजें जो कहीं दूसरी जगह जो है उससे विपरीत यहाँ की स्थिति है। यहाँ सरकारी कर्मचारी राजनीति का एक हथकंडा हमेशा रहा है। बड़े पदों पे तो बहुत जो है वो तो रहते हैं, और बड़े से लेके चपरासी से लेकर के और बड़े पदों तक, तो इस तरह से कभी कभी ये परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अब उसको कहीं से पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, दिमाग में कोई चीज उसके दूसरे घूम रही है, तो इस तरह की बातें आती हैं। हम लोग तो जब से आए तो डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी निजी अपना कोई इंटरेस्ट बहुत रहता नहीं। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सांसद जी पैसा नहीं कमा पाए। तो जीवन में पैसा कमाने के लिए तो पैदा नहीं हुए। ये तो रीवा में चर्चा है, मतलब हम लोग भी जब इस आपके इंटरव्यू के लिए 2-3 दिनों से रिसर्च कर रहे थे, तो ये पता चला कि सांसद जी पैसा नहीं कमा पाए। पैसा कमाए क्यों नहीं, पैसा तो हमको सरकार मिलती है, भत्ता मिलता है।
अरे मतलब जो बाकी के सांसद विधायक एक्स्ट्रा बना लेते हैं, नहीं अब वो उनका अपना है, हमने तो बताया ना कि हमारा तो जीवन का लक्ष्य ही एक था कि समाज के लिए, उस समय कल्पना कहाँ थी जब ये कल्पना होती थी कि 40 साल 50 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, उससे तो बेहतर जीवन है, पचास साल जेल में रहना है, पचास जिंदा जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो इस तरह की जब एक मन में भावना, तो उससे तो आज बेहतर है ना, आज जेल से बाहर हैं, और जो जिस काम के लिए राजनीति में आए वो कर रहे हैं, उसको उसमें शुचिता की राजनीति, पारदर्शिता की राजनीति, तो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आंदोलन शुरू हुआ था ना, तो अब वो मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ कि वो डीएनए हमारा वो विचार मरने नहीं पाया, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो थे वही हैं, शुद्ध हैं, जो मतलब जिस विचार को लेकर के अपन ने राजनीति शुरू की वो विचार मरा नहीं, इसके लिए क्योंकि आज की परिस्थिति जैसा आप कह रहे हैं कि अब लोग इस तरह का मजाक भी कल उड़ाएंगे, कल हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, साधन नहीं रहेंगे, हो सकता है तो कहेंगे कहाँ सांसद रहे, आयो आयो इसमें ऑटो में बैठ के घर से, अभी तो हमारे पास रीवा शहर में मकान ही नहीं है, हाँ खुद का मकान नहीं है, तो गांव में जाएंगे तो गांव से रीवा अगर आना तो हो सकता है ऑटो में बैठ के आना पड़े, तो कल तो और मजाक उड़ाएंगे लोग, नहीं थे और ऑटो में बैठ के घूम रहे, पहले तो ये गाड़ी में घूमते थे, भगवान करे आप जब तक हैं तब तक सांसद बने रहो, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं उस परिस्थिति के लिए वो सुनने के लिए भी तैयार हूँ, मुझको मालूम है कि कल मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, अच्छा समाज में कि ये क्योंकि मेरे पास दूसरे आय का कोई साधन है नहीं, तो मुझको मालूम है जिस समय मैं संसद सदस्य नहीं रहूंगा तो मेरे पास चार पहिया वाहन चलाने की क्षमता नहीं रहेगी, तो फिर मुझको या तो ऑटो में आना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, या स्कूटर में, साइकिल में, जैसे भी, बहरहाल चार पहिया वाहन चलाने की क्षमता तो नहीं रहेगी, तो लोग उस समय मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझको मालूम है, और उसके लिए मैं तैयार हूँ, अभी से मानसिक रूप से तैयार हूँ कल लोग क्या।